फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्राफ्टिंग मास्टर। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्टोन आर्ट। और स्टोन आर्ट ये जो मैं बना रही हूँ, ये मैंने 4 डिफरेंट टाइप्स के स्टोन बनाए हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टोन के बारे में मैं बताऊँगी आपको। फर्स्ट स्टोन में मैं एक पेड़ की ब्रांच के ऊपर बैठे हुए एक बर्ड को बना रही हूँ और पेड़ के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स बना रही हूँ। और उसे बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पे वॉल पुट्टी और वाटर से मैंने एक डो बना लिया है, उसका यूज़ किया है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं ये डो कैसे बनाती हूँ। अगर आप देखना चाहते कि मैंने ये डो कैसे बनाया है, तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी शेयर कर रखी है। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैं डो कैसे बनाती हूँ और उससे कितनी स्मूदली, कितने अच्छे से हम क्ले वर्क कर सकते हैं। अगर आप ये डो ना बना सकें तो आप शिल्पकार क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप शिल्पकार क्ले यूज़ करना चाहती हैं तो मैं उसका अमेज़ॉन लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे परचेज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसे बिना शिल्पकार क्ले के यूज़ किए भी हम वॉल पुट्टी से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजीली बना सकते हैं। तो वॉल पुट्टी कैसे डो बनता है उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने अपने एक स्टोन को बना लिया है। जो भी स्टोन आर्ट मैं उसके ऊपर करने वाली थी वो मैंने कर ली है। बहुत ही ईजी थी ये स्टोन आर्ट करना। छोटे छोटे मैंने छोटे छोटे पर्ल्स बनाए और उनको उसके ऊपर स्टोन के ऊपर वाटर की हेल्प से फिक्स किया। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेलिंग दी, इसी तरह से ब्रांचेस दिए और बर्ड बनाया। बर्ड बनाने के लिए जैसे हम बत्ती बनाते हैं ना, जैसे लीव की शेप होती है वैसे बनाए। उसके बाद नीचे से उसकी टेल निकाल दी और ऊपर से थोड़ी सी उसकी चोंच निकाल दी। तो इस तरह से थोड़े थोड़े लीव्स बना लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये स्टोन पीस जो था वो बन के रेडी हो गया। और बाद में मैंने इसके नीचे वाइट बेस कोट कर दिया। आप चाहें तो पहले वाइट बेस कोट कर दीजिएगा, उसके बाद ही बाकी कलर्स इसके ऊपर करिएगा। और लेकिन मैंने बाद में किए थे तो थोड़े से मुश्किल आई थी मुझे डिटेलिंग देने में। आप चाहें तो पहले कलर्स कर सकते हैं। इस तरह से कलर कर दिए मैंने स्टोन के ऊपर और बाद में गोल्डन जो 3D आउटलाइनर होता है ना, गोल्डन कलर का, उससे थोड़ी सी डिटेलिंग दी। और ये वाला जो पीस था ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोन पीस बना था। मुझे ये वाला स्टोन पीस जो है, चारों के जो स्टोन पीसेस मैंने बनाए हैं 3D स्टोन आर्ट, उनमें से सबसे ब्यूटीफुल यही वाला लगा। आप कमेंट करके बताना मुझे कि चारों में से आपको कौन सा वाला लगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ये बनके हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं सेकंड और बाकी सारे स्टोन पीसेस के ऊपर। और इसको आप चाहें तो कहीं भी डिटेलिंग कर सकते हैं, गार्डन के अंदर, चाहे तो अपने बालकनी के अंदर डेकोर कर सकते हैं, चाहे तो प्लांट्स में कहीं भी डेकोर कर सकते हैं, चाहे तो किसी भी जगह पे इसे डेकोर किया जा सकता है। तो किसी भी कॉर्नर में इसे रख के अपने उस कॉर्नर को बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लुक दिया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टोन आर्ट DIY के ऊपर। आज मैं जो भी स्टोन आर्ट शेयर करने वाली हूँ वो मैं 3D स्टोन आर्ट ही बनाऊंगी। अब मैंने उसी तरह से डो बना लिया हुआ है और डो को एक रोलिंग पिन की हेल्प से रोल किया है। और अब ये मैं एक फ्लावर की शेप बनाने वाली हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है और बाकी पार्ट के ऊपर इस तरह से मैंने ये वाला जो डो था उसको लगा दिया है। अब उस एक पैन की निब की हेल्प से, अगर आपके पास टूल्स नहीं है तो हम सिंपली भी इसे चीज़ों को डिटेल कर सकते हैं। तो पैन की निब की हेल्प से मैंने इसके ऊपर ये लाइंस लगा दी हैं और इसे ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और तब तक चलते हैं अपने थर्ड वाले स्टोन आर्ट को बनाने के लिए। थर्ड स्टोन आर्ट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक सेंटर में एक राउंड करके डो को लगाया, उसके बाद इस तरह से लीफ बनाई है। तो अब मैंने इस फ्लावर की बना दी है लीव्स। जैसे पहले फ्लावर बनाया था उसमें सिर्फ एक ही लीव बना के उसे थोड़ा सा डिटेलिंग दी थी, और इसमें मैं पूरा एक फ्लावर बनाऊंगी। इस तरह से पहले राउंड सर्कल बनाया, बाकी थोड़ा डो का पार्ट लेके उसको पहले इसकी साइड पे लगाया और बाद में प्रेस करते गए। और इसको अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में लाने के लिए पानी लगा के बाद में इसे स्मूथ कर लिया जाता है और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। पेन की हेल्प से आप डिटेलिंग दे सकते हैं, जो भी आप डिटेलिंग इसके ऊपर देना चाहें तो वो आप पेन की हेल्प से इसके ऊपर दे सकते हैं।
अब हम चलते हैं अपने फोर्थ और लास्ट स्टोन को बनाने के लिए। तो उस स्टोन को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये स्टोन को ले लिया है और इसके ऊपर अपनी डो जो है उसको रोलिंग पिन से रोल करके लगा दिया। इस तरह से अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बना दूँगी और बाद में थोड़ा सा इसे और डिटेलिंग दे देंगे पेन की हेल्प से। आप वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। पहले तो मैंने इस तरह से लीफ की शेप में यहाँ पर वेन्स बनाई थी, लेकिन फिर मैंने डिज़ाइन कुछ और बना दिया और इसको आगे मैंने यहाँ पे ये जो टर्टल का माउथ होता है वो बनाया, उसकी आइज़ बनाई और उसका मुंह बना दिया और इसे अच्छे से डिटेलिंग दी। आप जैसे डिटेलिंग देना चाहें उस तरह से इसे डिटेलिंग दे सकते हैं। जब हम अपने सारे के सारे स्टोन आर्ट पीसेस के ऊपर पेंट कर लेंगे और जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर हम क्लियर वार्निश का एक कोट जरूर दे देंगे, क्योंकि क्लियर वार्निश कोट देने से क्या होता है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छी ग्लॉसी फिनिश आती है और ये लगता है जैसे हमने मार्केट से खरीदे ये पीसेस, हमने घर पर ये पीसेस नहीं बनाए, उस तरह से इसकी लुक आती है। और एक ये होता है और दूसरा हमारा जो आर्टवर्क है वो सील हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता, डस्ट फ्री हो जाता है। इसके ऊपर हम गीले कपड़े से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरे चारों के चारों स्टोन आर्ट पीसेस बनके हो गए हैं रेडी। तो मैं इन्हें कहाँ पे डेकोर करूँगी वो मैं आपसे अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारे मेकओवर्स लेके आने वाली हूँ। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि बैक टू बैक बहुत सारे मेकओवर्स मेरे चैनल के ऊपर आने वाले हैं, तो इन सारी डेकोर पीसेस को मैं उसमें यूज़ करने वाली हूँ।
तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे सुंदर कौन सा वाला स्टोन आर्ट पीस लगा। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट की, और अगर चारों में से जो भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वहीं पे रुक के एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहती हैं तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।